गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 89 फोर क्लास 9th, विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 22 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम जो चैप्टर करेंगे वो है ऊतक, ठीक है। तो हम इसकी क्या करेंगे, पुनरावृत्ति यानी रिविज़न हम इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊतक होता क्या है, ठीक है। तो हमने कोशिका के बारे में पढ़ा, चैप्टर 5th में हमने किसके बारे में पढ़ा था, कोशिका के बारे में पढ़ा कि कोशिका क्या होती है। तो शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। अब ये ऊतक क्या है, तो जब कोशिकाएँ आपस में मिल जाती हैं तो वो क्या बना देती हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाएँ जब मिलती हैं तो क्या बनती हैं, वो ऊतक बनते हैं। तो देखिए, एक समान संरचना वाली कोशिकाओं का वह समूह जो किसी जीव के शरीर में एक स्थान पर एक ही प्रकार का कार्य करता है क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है, ठीक है बेटा। तो कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है, जो एक ही प्रकार का कार्य करता है। सबसे पहले दिया गया है पादप ऊतक क्या है, पादप ऊतक यानी जो पौधों में पाए जाने वाले ऊतक हैं वो पादप ऊतक कहलाते हैं। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है विभजो ऊतक और दूसरा है स्थायी ऊतक, ठीक है। तो देखिए, विभजो ऊतक जो है उसके तीन प्रकार हैं, यहाँ पर आप उनको तीन भागों में बांट सकते हो, तीन प्रकार के हैं, शीर्षस्थ, अंतर्वृष्टि और पार्श्व। और स्थायी ऊतक को हम पढ़ेंगे सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक, ठीक है। तो पादप ऊतक के दो प्रकार हो गए, विभजो ऊतक जो पौधों के जीवित रहने तक विभाजित होते रहते हैं, यानी जब तक पौधा जीवित रहेगा वो क्या होते रहेंगे, विभाजित होते रहते हैं, यानी विभाजित होने वाले ऊतकों को विभजो ऊतक कहा जाता है। और स्थायी ऊतक यानी जो विभाजित, उनके अंदर विभाजन क्षमता खो चुकी है, यानी उनके विभाजित होने की क्षमता अब नहीं है, तो वो किस में बदल जाते हैं, वो स्थायी ऊतक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विभजो ऊतक तीन प्रकार के होंगे। पहला है शीर्षस्थ, यह जड़ व तने के ऊपरी सिरों पर पाया जाता है। शीर्षस्थ का मतलब क्या है बेटा, शीर्ष यानी सिरों पर, जड़ और तने के सिरों पर पाया जाता है और ये क्या करते हैं, पौधे की लंबाई को बढ़ाते हैं। सेकंड दिया गया है अंतर्वृष्ट, यह पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। तो टहनी के पर्व जो है वहाँ पर उपस्थित होते हैं, ठीक है, और पत्तियों के आधार में, जिससे कि वृद्धि होती है। पार्श्व है, यह जड़ और तने के पार्श्वों में स्थित है, तो यहाँ पे इस तरह से पार्श्वों में जो है ये स्थित होते हैं और इनसे क्या होता है कि जो तना है उसकी मोटाई, जड़ या तने की मोटाई जो है वो बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्थायी ऊतक, जब विभजो ऊतक विभाजन की क्षमता खोकर एक विशिष्ट कार्य करने लगते हैं तो वे स्थायी ऊतक बन जाते हैं। स्थायी ऊतक दो प्रकार के हैं, सरल और जटिल स्थायी ऊतक, ठीक है। तो सरल स्थायी ऊतक कौन से होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये क्या है, ये सरल स्थायी ऊतक के उदाहरण हैं, ठीक है। सो अब इसके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न आपको यहाँ पर अभिकथन और कारण से रिलेटेड है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब की बार आपको ऐसे क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 के लिए दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए, दूसरा कारण आर है। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे कोड दिए गए ए, बी, सी व डी से करें। तो देखिए, ए क्या है, ए आंसर कब होगा, यदि दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। बी होगा, दोनों सत्य हैं लेकिन आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। सी होगा, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। डी होगा, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो पहला करेंगे। पहला दिया गया है अभिकथन, एक प्याज की जड़ों को सिरों से काटने पर जड़ों का बढ़ना रुक गया। तो प्याज की जड़ों को सिरों से काट दिया तो जड़ों का जो है क्या हुआ, बढ़ना रुक जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, जड़ों के सिरों में शीर्षस्थ विभजो ऊतक जड़ों की लंबाई को बढ़ाता है। तो बेटा, जड़ों के सिर में जो है, जो सिरा होता है सबसे ऊपर वाला भाग, उसमें शीर्षस्थ विभजो ऊतक हमने पढ़ा था, वो क्या करता है, जड़ों की लंबाई को बढ़ाएगा। अब उसको काट दिया तो जो जड़ों की लंबाई है वो इसलिए नहीं बढ़ रही। तो इसमें अभिकथन भी ठीक है, उसका कारण भी ठीक है और ये उसकी व्याख्या भी ठीक कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2, अभिकथन दिया गया है, जलीय पौधों के कोलेन्काइमा में कोशिकाओं के मध्य बड़ी वायु गुहिका पाई जाती है। तो बड़ी बड़ी वायु की गुहिकाएं पाई जाती हैं जो कि पौधे को तैरने में मदद करती हैं। तो बिल्कुल ठीक है, कोशिकाओं के मध्य बड़ी वाहिका पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं। तो बेटा, उसको तैरने में मदद करती हैं, ये बिल्कुल इसके एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। तीसरा देखिए, अभिकथन दिया गया है, स्क्लेरेन्काइमा ऊतक बहुत मजबूत और कठोर होते हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा ऊतक जो है वो बहुत मजबूत और कठोर होते हैं, जैसे नारियल में होता है
और कारण क्या है? स्क्लेरेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं सीमेंट जैसे पदार्थ लिग्निन से बनी होती हैं। तो बिल्कुल ठीक है कि लिग्निन से बनी होने के कारण ये उत्तक बहुत मजबूत और कठोर होता है, तो ये भी इसका जो है व्याख्या भी ठीक है, इसलिए इसका आंसर भी हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, तीन प्रकार की विभिज्ज उत्तक की स्थिति को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाओ और तीनों के कार्य लिखो। तो बेटा कार्य तो आप यहाँ से लिखेंगे तीनों के, यह जड़े और तने और ऊपरी सिरे पर है, पौधे की लंबाई बढ़ाता है, दोनों ओर उपस्थित है और ये जो है मोटाई को बढ़ाता है। तो यहाँ से आप इसके कार्य लिखेंगे और इसका जो है डायग्राम आपकी बुक में भी बना हुआ है और देख लेते हैं। सो यहाँ से आप डायग्राम बना लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिरस्थ हो जाएगा, ठीक है, ये सिरस्थ हो जाएगा, ठीक है बेटा। और ये जो है ये नोट्स यहाँ पे प्रेजेंट जो है ये आपका अंतर्वृष्ट हो जाएगा और ये जो होगा आपका ये पार्श्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जो डायग्राम बना लेंगे, नहीं तो आपकी बुक में भी अच्छे से दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, उन सरल स्थायी उत्तक के नाम लिखिए जिनमें अंतराकोशिक स्थान होता है, बहुत कम अंतराकोशिक स्थान होता है और अंतराकोशिक स्थान नहीं होता। तो बेटा जब आपने चैप्टर किया था तो आपने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा स्थान जो होता है वो क्या होती है, पैरेन्काइमा, ये पहले का हो जाएगा कि ज़्यादा स्थान होता है कोशिकाओं के बीच में तो पैरेन्काइमा है, बहुत इससे कम स्थान होता है तो क्या होता है, कॉलेन्काइमा होता है नंबर 2, और जो है बिल्कुल स्थान नहीं होता तो वो होती है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो इसमें आप लिख देंगे यहाँ से, तो ए का आंसर हो जाएगा आपका अंतरकोशिकीय स्थान होता है पैरेन्काइमा, बहुत कम अंतरकोशिक स्थान होता है कॉलेन्काइमा, और अंतराकोशिक स्थान नहीं होता वो होती है आपकी स्क्लेरेन्काइमा। तो ए बी सी आपके तीनों हो गए, ठीक है, ए बी सी तीनों का आंसर यहाँ से लिख देंगे। तो ये हो गई बच्चों आपकी आज की बेटा वर्कशीट, एंड आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।